क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th. इससे पहले क्वेश्चंस में हमने आइडेंटिटी यूज़ करके हमने सॉल्व किया था, इसमें भी सेम ही आइडेंटिटी यूज़ करनी है. देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन. इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. अब इसको सॉल्व करना है डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना. मल्टीप्लाई करके तो ईजिली आप निकाल लोगे आंसर, लेकिन ये बोल रहा है मल्टीप्लाई नहीं करना बट हमें इसका आंसर निकालना है. अब वो कैसे निकलेगा? आइडेंटिटी की यूज़ से. लेकिन इस टाइप की तो हमें कोई आइडेंटिटी पता ही नहीं है. फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. पहले तो इसको हमें उस तरीके से मॉडिफाई या चेंज करना होगा ताकि हम आइडेंटिटी यूज़ कर पाए, किसी आइडेंटिटी के जैसा इसको बना पाए. अब ये वाला क्वेश्चन है 103 है और 107 है. क्या हम 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. और बीच में मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट बना देंगे, ये तो हमें पता ही. जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है. अब देखो ये वाला जो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया है, ऐसी आइडेंटिटी तो हमारे पास हैगी. हम ऑलरेडी जो कर चुके हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी की थी ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी. तो ये देखो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7. अब हमें ये मिल गया. अब हम इसमें x किसको मान लेंगे? पहले तो ये पूरी आप आइडेंटिटी लिख लो, पूरी आइडेंटिटी पहले फर्स्ट स्टेप होगा. इसको कन्वर्ट करेंगे हम इस फॉर्म में 103 को और 107 को. उसको ऐसे लिख दिया आइडेंटिटी की तरह. अब आइडेंटिटी पूरी लिखनी है हमें. ये पूरी आइडेंटिटी कैसे है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्म में पूरी आइडेंटिटी है ये, ठीक है. हमने इसको कन्वर्ट किया है ऐसे. अब हमने इसको x किसको मान लेंगे? हम क्वेश्चन में देखो ज़रा, x क्या, x की जगह पे क्या दिया हुआ है? 100. यहाँ पे भी देखो 100 है ना, तो x हम किसको मान लेंगे? 100 को. अब बारी आती है a की जगह पे देखो क्या दिया हुआ है? 3. a को हम मान लेंगे 3. b की जगह पे क्या दिया हुआ है? b की जगह पे दिया हुआ है हमें 7, तो b को मान लेंगे 7. हमें मिल गई तीनों चीज़ें जो हमें चाहिए थी. अब हम क्या करेंगे? हमें देखो इस साइड वाला तो दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, हमें किस में वैल्यूज पुट करनी होगी? इस साइड वाले में. x पता है हमें, a पता है, b पता है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? 100. और ये स्क्वायर ऐसे के ऐसे, प्लस का साइन एज इट इज़. a की जगह पे क्या आ जाएगा? 3. प्लस b की जगह पे आ जाएगा 7. x की जगह पे क्या लिखना है हमने? 100 प्लस a और b. a क्या है हमारे पास? 3, कोई साइन नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई, और b आ जाएगा 7, ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 100 की पावर 2 है यानी कि 100 इंटू 100 करना है हमें, 100 को दो बार ही मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 1 0 0 0, चार जीरो लग जाएंगे, प्लस का साइन एज इट इज़. और ये क्या हो जाएगा? 7 और 3 8 9 10 आ जाएगा. और ये यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. फिर प्लस 7 3 जा 21. और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो सकता है सिंप्लीफाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस भी ऐसे ही रहेगा. अब 10 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000. फिर प्लस का साइन और 21 प्लस. अब सिंपल देखो प्लस करना है इसको, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखो इसको प्लस किया और 1000 को प्लस किया और 21 को प्लस किया, क्या आ गया हमारे पास? 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1. जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हमने पूरा कर दिया ना. दिस विल बी योर आंसर. बस हमें इसको सबसे पहले तो आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हमने इसको कन्वर्ट किया, आइडेंटिटी लिखी, वैल्यूज पुट करी, क्या एक्स है, क्या ए है, क्या बी है, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया. दिस विल बी योर आंसर. अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट क्या है? 95 into 96. अब देखो इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं हम सेकंड पार्ट. 95 into 96, इसको कोई बच्चा चाहे तो 100 minus 5, 95 को लिखते थे ना 100 minus 5, और 100 minus 4 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको 90 plus 5 और 90 plus 6 भी कर सकते हैं. जैसा आपको अच्छा लगे आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों ही ठीक होंगे. हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं. चलो ये वाला यूज़ करके देखते हैं क्या लिखेंगे इसको, हम कैसे लिख सकते हैं. 90 plus 5 90 plus 6 ऐसे भी करोगे तो भी ठीक होगा, ठीक है. अब इसमें आइडेंटिटी लिख लेंगे, सेम वही आइडेंटिटी है ना. देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी
x प्लस ए बी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है, x क्या है और a क्या है और b क्या है। x की जगह पे देखो क्या है 90, तो हम x को क्या मान लेंगे 90। b की जगह, a की जगह पे क्या है भाई, a की जगह पे है भाई 5, a को 5 मान लेंगे। b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है 6, b को 6 मान लेंगे, ठीक है। ये हमने लिख लेना है ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। हमें पता चल गया x क्या है, a क्या है और b क्या है। अब हमें इस वाली साइड में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, 90 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर a की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस का साइन, b की जगह पे आ जाएगा 6, यहाँ x की जगह पे क्या आ जाएगा 90, फिर प्लस का साइन, और a और b की जगह पे क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, और 6 ऐसे, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब 90 का स्क्वायर करना है, यानी कि हमें 90 into 90 कर देंगे, ठीक है। अब 90 into 90 कर देंगे तो क्या, 90 into 90 आ जाएगा हमारा 8100, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज, 6 और 5 कितना हो जाएगा भाई 11, फिर बीच में कोई साइन नहीं है, इसको हटा के क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई 90, फिर प्लस का साइन, 6 5 का कितना होता है 30, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8100 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 90 को अब 11 से क्या करना है हमें, ये आ जाएगा हमारा 990, फिर प्लस का साइन और 30। अब इनको प्लस कर देंगे, 8100, 990 और 30, क्या आ जाएगा ये हमारा 0, 10, 11, 12, 2, 1, 10, 11, 1, 9, 1, 2, 0 will be your answer. सिंपल, समझ आ गया। इसको आप 100 वाले फॉर्म में भी डाल के कर सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है 104 into 96। चलो भाई थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, 104 into 96। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 100 plus 4, और इसको लिख सकते हैं 100 minus 4। इसमें सेम आइडेंटिटीज हमें यूज़ करनी है, x प्लस ए, एक्स माइनस बी, ये भी लिखवाया था ना, और उधर इधर वाली सेम ही थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी थी हमारी। अब हमें इसमें ये देखना है x क्या है, a क्या है और b क्या है। x की जगह पे क्या है 100, तो हम x को क्या मान लेंगे 100, a की जगह पे क्या है भाई 4, तो a को मान लेंगे 4, b की जगह पे, यहाँ ध्यान देना है आपको, देखो b की जगह पे है माइनस 4, यहाँ पे प्लस लगा लो आप, आइडेंटिटी के कोई सी भी लिख सकते हो आप। अब b की जगह पे दिया है लेकिन हमें माइनस 4 दिया, तो b हम मान लेंगे माइनस का 4, समझ आया। अब मिस्टेक नहीं होगी अगर आप करोगे तो। अब हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह पे हम लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस a की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस b की जगह पे माइनस का 4। दो साइन एक साथ कभी नहीं लगा सकते, इसलिए माइनस वाले को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। x की जगह पे 100 प्लस a की जगह पे 4 मल्टीप्लाई b की जगह पे माइनस का 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 100 को, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है तो यह आ जाएगा 1000, फिर प्लस। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। अब 0 माइनस का बचे प्लस का बचे, 0 तो 0 है ना, वो पॉजिटिव होता ना वो नेगेटिव। अब 0 into 100 हो रहा है तो प्लस, ठीक है। अब ये क्या है, 4 4 का कितना होता है 16, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 प्लस, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 0 ही आता है ना, तो यहाँ 0। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 16, ठीक है। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है भैया, 0 प्लस भी कर दोगे तो वो 10 यही रहेगा। अब माइनस 16, अब 10,000 में से 16 हमें माइनस करना है, वो हमारा आंसर होगा। बस इसको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 9984, दिस विल बी योर आंसर। बस इस सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, वो इस तरीके से पहले आइडेंटिटी के फॉर्म में मॉडिफाई करो और ये आइडेंटिटी पुट करके एक्स और ए और बी क्या है वो देखो और सीधा उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। माइनस प्लस का स्पेशली ध्यान रखना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिना का बाय नमस्कार।